हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन ज्योति फूड रेसिपीज़। आज हम लोग डोसा बनाएंगे और डोसा बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर और प्याज डाल दिया भूनने के लिए। जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाए तो इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च काट के ऐड करेंगे। ये ग्रीन मिर्ची ऐड करने के बाद इसमें इसको हम एक दो सेकंड के लिए घुमाएंगे और फिर कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद इसको हल्का सा घुमाने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे, ये 2 से 3 के करीब आलू हैं मीडियम साइज़ के, और इसको इस तरह से चॉप करके हम ऐड करेंगे। हरा धनिया, हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा, आमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते टाइम इसको इस तरह से स्पून से थोड़ा मैश भी करना है। यहाँ पर हमने ये डोसे का बैटर बना लिया है। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसमें इस तरह से बैटर को डालना है। फिर अगर आप पैन को ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बैटर सारा स्प्रेड हो जाएगा। आप लोग जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये इस तरह से जब एक साइड इसका कुक हो जाए तो हमें टर्न करना है और इस पे थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये जब दोनों साइड अच्छे से कुक हो जाएं तो इसके डोसा के एक साइड पे हम जो आलू का मिक्सचर रेडी किया था उसको लगाएंगे। इस तरह से हमें मिक्सचर को एक साइड पे लगाना है और फिर हम इसे रोल कर देंगे। ये रोल करने के बाद आप इसको 1-2 मिनट के लिए और भी इसको कुक करें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और फिर आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।
न्यू रेसिपी लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।